ठीक है ना। अब इसमें आपका जन्म हुआ कृतिका में, तो किसी के भी सर, चार्ट में आपने लगाना है तो जिसमें उसका जन्म हुआ है उसको लिख लीजिए, ठीक है। उससे यस सर, आगे नौ गिन लीजिए, नौ ठीक जो है सर, नक्षत्र आते हैं उसके आगे लिखते चले जाइए। फिर उसकी दूसरी लाइन बना लीजिए, जन्म नक्षत्र अगर आपका कृतिका है तो उत्तरा फागुनी और उत्तर साढ़ा, ये भी सूर्य के नक्षत्र हैं, उनकी लाइन में लिख लीजिए आप। यस सर, सेकंड तारा आ गया आपको संपत्त तारा, संपत्त तारा बोलते हैं जिसके अंदर आपको संपत्ति की प्राप्ति होती है। ठीक है सर, तो ये संपत्त तारा आपका रोहिणी हो गया, तो रोहिणी के आगे हस्त और श्रवण, ये दोनों चंद्रमा के नक्षत्र आ गए, तीनों चंद्रमा के नक्षत्र है वो, ये तीनों। तीसरा नक्षत्र होता है हमारा विपत्त तारा, इसके अंदर विपत्ति का सूचना आती है कि हमारे ऊपर कोई परेशानी आने वाली है। चौथा तारा होता है हमारा क्षेम तारा, क्षेम तारा बोला जाता है, जैसे हम हरियाणा में बोलते हैं कुशल क्षेम पूछने आए हैं, यस कुशल सर, क्षेम यानी अच्छा बोला जाए इसको भी। फिर आता प्रतिहार तारा, प्रतिहार तारा होता है हमारी चतुर्दशा का, कि हमें हमारी किसी से दुश्मनी होने वाली है, दुश्मनी का कारक है प्रतिहार तारा। फिर है साधक, साधक का मतलब होता है कि हमने अपने लक्ष्य से लक्ष्य को साधना अचीव करना, उसको साधक बोला गया। अब उससे अगला नक्षत्र आता है हमारा वध तारा बोलते हैं इसको हम, वध तारा बोला यस जाता सर, है कि मरना, ये उस मरने से मतलब नहीं है कि व्यक्ति मर जाएगा, बहुत खराब हालात के अंदर अगर ये आता होगा और मृत्यु का टाइम है तब तो ये है, लेकिन इसका मतलब ये है, वध तारे का मतलब किसी काम का खत्म हो जाना, यस सर, कोई आप काम कर रहे हैं और वो उसका खत्म होना, वो वध तारा है, लेकिन ये खराब बोला गया है। मित्र यस सर, तारा आता है उसके बाद, उसके बाद अगला तारा आता है अति मित्र तारा, ये अच्छे हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जो है जो भी ग्रह हैं, अब मान लीजिए कि आपका कृतिका नक्षत्र में जन्म हुआ, यस सर, ठीक है, आज आज कौन सा नक्षत्र चल रहा है, सर आज शायद ये चल रहा है आराध्रा, अश्लेषण है, देखो अच्छा सर, अश्लेषा मेरे है, हिसाब ठीक, से अश्लेषण है। अच्छा सर, अभी आज का चार्ट बनाओ ना, उसमें लिखा हुआ आएगा मून कौन से नक्षत्र में। हाँ सर, एक सेकंड, अश्लेषा मून है आज अश्लेषा में है, मैंने देख लिया, पदा दो में, हाँ यस अश्लेषा में, ठीक है ना। तो अश्लेषा कौन से में आ रहा है आपका, जन्म नक्षत्र से आप गिनोगे तो अश्लेषा आ रहा है आपका वध तारे में, यानी सातवां। इसके अंदर ये कंडीशन है कि कोई भी नक्षत्र आपके जन्म नक्षत्र से 3, 5, 7 पड़ता हो, सर वो तो वध में आ रहा है मेरा, मतलब आज, हाँ तो वही यस बोल रहा हूँ ना, 3, 5, 7 में जो आ रहा हो वो खराब तारे बोले गए हैं। जैसे सर, तीसरा आपका विपत्त तारा होता है, पांचवा प्रतिहार तारा होता है और सातवां वध तारा होता है। तो आज के दिन कोई भी शुभ कार्य अगर आप करते हो तो वो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, खराब आज का दिन उन चीजों के लिए। ओके सर, अब जैसे कल परसों आपका मित्र तारा रहेगा, उससे अगला अति मित्र तारा रहेगा, उससे अगला जन्म तारा रहेगा, फिर उसके अगला संपत्त तारा रहेगा, ये चार लगातार दिन अच्छे रहेंगे। फिर पांचवा दिन मृगशिरा नक्षत्र के अंदर आएगा तो आपके लिए खराब रहेगा। सर विपत्त मतलब विपत्ति देने वाला, और हाँ जी, विपत्ति देने वाला शेमा प्रतिहार आपने मतलब वो बताया सर, आपसे लड़ाई झगड़ा होना, अच्छा सर, वध मैंने कोई चीज खत्म होना, ये तीन खराब होते हैं। अब इसको मैं फिलहाल तो आपको बता देता हूँ, बाकी सारा जब दशांतर दशा सिखाऊंगा तो बताऊंगा कैसे ये मैच करते हैं, तो दशा लगन के साथ या वैसे। जैसे आज की तारीख में जुपिटर जो है कि आपकी महादशा नाथ जुपिटर है, क्लियर है, यस सर, तो जुपिटर इस टाइम चल रहा है मृगशिरा नक्षत्र में, ठीक यस सर, है। और जुपिटर आपके चार्ट के हिसाब से विपत कौन से में है घर सर, में है, विपत 8th में सर, और नवतारा सिस्टम से विपत्ति में, हाँ विपत्त तारा है, 8th में है, यानी कि जुपिटर जो है कि वैसे तो सही था जिस टाइम शुरुआत हुई थी इसकी दशा की, क्योंकि जो मेन आपके तो चार्ट के अंदर तो अच्छे नक्षत्र में बैठा हुआ है जुपिटर, ठीक यस सर, है ना, लेकिन यहाँ पर इस टाइम वो जो है कि आपके जो है कि 8th हाउस से जा रहा है, यस सर,
तो 8th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखा रहा है वो, यस सर, ठीक है। ये हो गया इसका ये अपना दशा, और खासकर अंतर दशा देखने की दशा तो बहुत लंबी चलती है। सैटर्न इस टाइम पूर्व भद्रा से जा रहा है, यस सर, ठीक है जी। पूर्व भद्रा जो है आपकी प्रतिहार तारा है, किसी से लड़ाई झगड़ा होना, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, इल्जाम लग जाना या कुछ बुरा हो जाना। और ये आपका शनि जा रहा है इस टाइम 5th हाउस से, यस सर, बच्चे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, या मानसिक तनाव है इस टाइम यस सर, है। यस सर, बच्चे की तबीयत खराब चल रही है। हाँ तो ये है। अब आगे मैं आपको जो पढ़ाऊंगा तो उसमें ये भी पढ़ाऊंगा, जब ये इसमें से निकल जाएगा शनि, ठीक है, शनि हाँ जी सर, प्रतिहार से साधक में जाएगा यस सर, तब वो ठीक हो जाएगा, समझ गए। ये यस आपके सर, दशा अंतर दशा का है रूल, इसमें आप प्रयंतर दशा को भी जोड़ सकते हैं। तो यहां पर तो प्रयंतर दशा भी आपकी जुपिटर की है, यस सर, इसलिए मैंने आगे नहीं जोड़ा कुछ। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से जब ये जुपिटर रेट्रो होगा तो देखना आपके जब आपको पैसे मिलने का टाइम है, जो हमने 9 मास के उससे देखा था, ट्रांजिट ऑफ जुपिटर एंड 9 मास, यस सर, उसके हिसाब से उसको अलग छोड़ दो और इसको देखो। अब जुपिटर जब आपको रेट्रो होकर जब वापसी जाएगा, मरक सिरा से कहाँ जाएगा, ये रोहिणी में यस सर, रेट्रो होके, तो जब रोहिणी में जाएगा तो संपत तारे में आएगा, यस सर, तब और मिलेगा। 17 डिग्री के आसपास ही संपत तारे के अंदर आएगा। यह भी कमाल की बात है। और उस टाइम धन की प्राप्ति दिखा रहा है संपत तारे के अंदर, तो यस सर, दशा अंतर दशा के अंदर इस तरीके से इसको लगाना है। ठीक है सर, बाकी जब हमारा जो क्लास होगी ना, दशा अंतर दशा वगैरह चलेंगे 4-5 दिन, उसमें मैं भी बिल्कुल कनेक्ट करना सिखा दूंगा कि वो चार्ट के अंदर भी कैसे देखना है या नहीं देखना है। ये मैंने आपके चार्ट के हिसाब से ही देख के आज जो है कि मैं स्टडी कर रहा था, क्योंकि जब आपका चार्ट आया था मेरे पास था पहले का, ओके तो सर, उसी से मैंने ये बनाया कि मैंने कहा चलो आज आपको ना एक चीज ये भी बता देते हैं साथ में, कि आप कम से कम ये तो देख सकते हैं कि मेरी दशा अंतर दशा खराब चल रही है, अच्छी चल रही है, या ये किसके लिए खराब है, बच्चे के लिए खराब है या किसके लिए खराब है। तो जैसे शनि को देखा मैंने, शनि जिस भी घर में जाएगा, अच्छे तारे में जाएगा तो उस घर के अच्छे रिजल्ट देगा, बुरे घर से जाएगा तो उस घर के बुरे रिजल्ट मिलने। आप जैसे अभी मैंने बोला 5th हाउस है तो मानसिक तनाव या बच्चे के साथ परेशानी है, तो उस तरीके से देखना आपको, जैसे समझ सर आया इस, कि। हाँ सर, जिस जैसे इसके अंदर सर जो मरकरी के नक्षत्र है, अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती, वो वध में है। तो हाँ अभी तो वो मेरी वध में जैसे वो तीनों खराब है आपके लिए। तीनों खराब है, अभी मेरी वो जो दशा चल रही है वो जुपिटर की अंतर दशा सर मरकरी की हो गई है, तो तो यानी मरकरी की कि अगर हो गई है तो मरकरी आपके चार्ट में कौन से उसमें बैठा पहले ये देखो, सर वो मरकरी अच्छी जगह बैठा पंचम, हुआ था चार्ट के अंदर, हाँ अच्छे नक्षत्र में बैठा है, वहां वहाँ वो सर पूर्व फाल्गुनी में बैठा है सर, वो पूर्व फाल्गुनी में बैठा, तो पूर्व फाल्गुनी आपका कौन सा कैसा नक्षत्र है, अति अति मित्र मित्र, तारा है यस सर, वो अच्छा है। यस सर, इस तरीके से देखो कि आपको चार्ट में वो किस में बैठा हुआ है, ठीक है यहाँ सर, वो ये नक्षत्र खराब हो किस लिए है, जब इसमें से कोई प्लेनेट जाएगा, जैसे कि अभी आगे चलते हुए जब ये जो प्लेनेट आपकी दशांतर चल रही है, वो जब इस नक्षत्रों से गुजरेंगे, विपत तारे वाले से, प्रतिहार तारे वाले से या वध तारे वाले से, तब वो खराब रिजल्ट देंगे। जैसे मरकरी, अब आपकी कह रहे हो अंतर दशा मरकरी की चल गई, तो मरकरी कौन से नक्षत्र में चल रहा है आज के डेट में, चलो मैं देख देता हूँ मरकरी उत्तरा फागुनी में चल रहा है, उत्तरा फागुनी कहाँ पर गया, ये सबसे ऊपर है, वो आपका जन्म तारा देखो, मरकरी यहां चल रहा है हाँ जी गुरुदेव जी, उत्तरा फागुनी में, तो वो यस बुरा सर, थोड़ी है, वो जन्म तारा हमारा, वो तारा जो ना अच्छा करता है ना बुरा करता है, जैसे पीछे चला आ रहा वैसा चलाएगा। जैसे हम दशा अंतर दशा के अंदर बोलते हैं ना, जुपिटर में सर जुपिटर के मरकरी आदमी पूर्व तो हो गए, फाल्गुनी है और वीनस भी पूर्व फाल्गुनी, सब ये पूर्व फाल्गुनी में बैठे हुए सर, हाँ तो अभी बैठे हैं ना, तो वो अच्छे हाँ हैं, अब उसकी दशा अभी, अच्छी है। अब इसके बाद वो संपत्त तारे में जाएगा,
हाँ अगर वो कोई आप पैसे से रिलेटेड कोई काम करते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं तो इसमें आ जाता है। ठीक है सर, जैसे अभी तो आप समझिए कुछ कर नहीं रहे हो, नहीं अगर कर रहे होते तो इस टाइम पैसे का आवागमन होता। इस तरीके से आपने देखना, ये नहीं कि आपको चार्ट में खड़ा। हाँ उसमें देख सकते हो, जो 10 साल तक दशा देखोगे कि मरकरी आपका जो है कि अच्छी जगह बैठा हुआ है। वो तो अगर कोई मतलब इन इन सर नक्षत्रों में सर बैठा है, मुझे ये समझ आया कि हमें इससे हमारा ग्रह खराब नहीं हो रहा, पर इन नक्षत्रों में कोई भी प्लैनेट है हमारा तो वो अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य है हाँ जो वहां इनको। चार्ट में बैठा है, हाँ जैसे अभी किसी आपकी मरकरी की चल रही है तो वो के जन्म तारे में है, हाँ 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 ठीक है ना। तो वो इतना अच्छा अभी आपको ठीक है ना, अच्छा है ना बुरा है, जन्म तारे में ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, सर वो लेकिन पूर्व फाल्गुनी में है सर, अति मित्रा में। अच्छा पूर्व फाल्गुनी में तो अति मित्र में आ गया, हाँ ठीक सर है वो ही बढ़िया है, ठीक है ना। ये आपको सपोर्ट करेगा, अति मित्र मित्र जो आपको सपोर्ट करते हैं, जब भी आप किसी काम को जाएगा तो कोई ना कोई मित्र आपको सपोर्ट करेगा। मरकरी वैसे ही मित्रों का कारक है, ठीक बिल्कुल सर बिल्कुल। है ना। तो इस तरीके से हाँ, अगर आपके चार्ट के अंदर कोई ऐसे विपद तारे के अंदर या प्रतिहार तारे के अंदर या वध तारे के अंदर कोई ग्रह बैठा है, तब उसकी अगर अंतरदशा आती है तो वो आपके लिए खराब है। तो सर यदि हम इसको ऐसे लगाना चले, क्योंकि जुपिटर मेरा मूला नक्षत्र में है, तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई ये मित्र नक्षत्र में इसमें मेरी हेल्प मिलेगी, जबकि वो मेरे लिए मतलब तुला लग्न के लिए एक अच्छा नक्षत्र हाँ नहीं है। वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो आपके जन्म नक्षत्र सही जगह पे आ गया। ठीक है, वो मित्र उसमें। उसके बाद आपको ये देखना है कि जुपिटर की महादशा चल रही तो अंतरदशा लॉर्ड कहाँ बैठा है, 6-8 तो हाँ नहीं बैठा हुआ, वो सब कुछ सिखाऊंगा मैं। लेकिन ये सिर्फ मैंने इसलिए सिखाया कि आप अपने किसी भी प्लैनेट की दशा अंतरदशा चल रही है उससे बुरा वक्त देख सके, कौन ठीक है सर, से हाउस ओके में चल रहा है तो किसको परेशानी आ सकती है, कहाँ देख रहा है, ठीक है। यस सर। और आप डेली का अपना गोचर देख सकें कि भाई आज जो है कि मेरे लिए खराब दिन है, जैसे अश्लेषा नक्षत्र चल रहा है खराब है जन्म नक्षत्र से, आगे मेघा आएगा पूर्व फाल्गुनी आएगा वो आपके लिए अच्छे रहेंगे दिन, तो आप डे टू डे लाइफ में मेरे लिए दिन अच्छा है या बुरा है वो समझ जाओगे। एक आप दशा अंतरदशा प्रयंतरदशा को लगाना समझ जाओगे, कहाँ मेरा अच्छा काम करेगा कहाँ मेरे को ये रिजल्ट खराब देगा। ठीक है इसको सर, इस तरीके से समझो कि अगर आपका वहां पर आपके जन्म चार्ट के अंदर अच्छे नक्षत्र में बैठे यस सर, और यहाँ अच्छे से जा रहा है तो वो आपको लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन वहां पर वो अच्छे में बैठा हुआ है लेकिन यहाँ खराब से जा रहा है तो वो उतना खराब नहीं करेगा, समझ गए। ठीक है ये सर मैं समझ गई। और अभी सर जब शनि तो अब राहु के नक्षत्र में आने वाला, और सॉरी राहु तो शनि के नक्षत्र में आने वाला और शनि राहु के नक्षत्र में, नहीं तो ऐसा उसको भी छोड़ दो होता ना, वो तो अलग तो मैटर हो गया, ट्रांजिट ट्रांजिट देखते हैं, जो तो सर आपको उसमें इस ट्रांस जो दशा के हिसाब से नहीं देखोगे लगेगा। ना, सैटर्न जब पूर्व भद्रा से आगे चलेगा अच्छा सर, तो पूर्व भद्रा से जब आगे चलेगा तो ये उत्तर भद्रा में आएगा, अभी खराब चल रहा है वो। अभी फिर ठीक हो जाएगा सर। हाँ जब वो रेट्रो होगा हाँ तो वो छेद में आ जाएगा, वो अच्छा है, ठीक है। हाँ, इस तरीके से देखना है कि वो जा कहाँ रहा है, राहु का नक्षत्र नहीं, वो आपके लिए खराब है अच्छा है वो देखो इससे, सिर्फ तारा नक्षत्र से, तारा चक्र, इसको ठीक है बोला सर। जाता है तारा चक्र, नव तारा चक्र बोला जाता है वैसे, क्योंकि हाँ सर नौ ग्रहों के लिए बना जाता है नव तारा चक्र। बिल्कुल इससे सर, आप अपने दशा अंतरदशा खराब जाएगी, वो दशा अंतरदशा का जब पूरे रूल सीख जाओगे तो ये एक नॉर्मल बहुत ही मोटा फैक्टर है जो लोग यूज करते हैं नहीं करते मेरे को नहीं पता, लेकिन इससे मालूम चल जाता है। उसके अलावा और भी चीजें हैं, ग्रह मैत्री है वो जो एक होता है, एक तो होता है कि वो नेचुरल किसके मित्र हैं किसके, एक होता है पंचदा मैत्री बोलते हैं इसको, हाँ सर वही मतलब वो जहाँ प्लैनेट बैठा है उसके साथ जो प्लैनेट बैठा है उससे अगले हाउस का प्लैनेट, फिर हाँ उससे वो दोनों ठीक है। एक मिक्स अपनी करके फिर वो हाँ पंचकाम वो ये तो का। जो नॉर्मल जो होते हैं वो हो गया जो मित्र कौन है और वो होना, फिर उसके बाद में उससे देखते हैं कि कौन मित्र है कौन वो, तो फिर वो अति मित्र वगैरह में आ जाता है, कोई अति शत्रु में आ जाता है, उनकी दशा अंतरदशा, फिर वो बैठे कौन से हाउस में है, अब मेरे से फिफ्थ बैठा है, नाइन्थ बैठा है, दशा लॉर्ड से षडाष्टक बैठा है, 3-11 बैठा है, उनके रिजल्ट क्या होते हैं, फिर उसके बाद में फिर यहाँ पर देखना है तारा चक्र के अंदर कि
कि वो कहाँ पर मेरे लिए अच्छी है बुरी है। उससे क्या होता है कि अगर कई बजे बोलते नहीं है कि मैं कोई बता दूं कि अगर यहाँ आते पंचमेश की दशा आएगी तो अच्छी होगी, तो कई लोग आज बोल देते हैं कि सर ये मेरे में तो है लेकिन अच्छा कुछ नहीं हुआ। अब हो सकता है कि वो वहां पर आप उसके चार्ट के अंदर वत तारे में बैठा हो या प्रतिहार तारे में बैठा हो, तो अच्छा कहाँ से करेगा।